और शिवपुरी में कांग्रेस नेता ज्योतिराज सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस धर्म और जाति के आधार पर कभी चुनाव नहीं लड़ती है। सिंधिया ने नामांकन भरने के एक दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में बात कही। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस हर वर्ग के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर कहा है कि महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाओं को अवसर प्रदान किए जाएंगे। कैसे हो आप लोग? सब लोग और कांग्रेस नेता और गुना लोकसभा के प्रत्याशी ज्योतिराज सिंधिया की भोपाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा के धर्म युद्ध संबंधी बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र का उत्सव है जिसमें दो विचारधारा का युद्ध है। ये युद्ध है दो विचारधारा, भारत के दो विचारधाराओं के बीच में। एक विचारधारा है जो केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए होती है, सूट बूट वालों के लिए होती है, और वे एक विचारधारा है जो जनता के लिए होती है। और मैं मानता हूं कि सत्य की जीत होगी, जनता की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत। मैं केवल इतना कहूंगा कि प्रजातंत्र में सत्य की जीत होगी, और मुझे पूरा विश्वास है भोपाल में भी दिग्विजय सिंह